खातेगांव कन्नौज विधानसभा में खातेगांव तहसील से 24 किलोमीटर दूरी पर बसे दुधवास गांव में किसान गरीब मजदूरों को खातेगांव जाने के लिए इसी रास्ते से मेन रोड कांजीपुरा आना पड़ता है, लेकिन बरसात के मौसम में दुधवारा से 3 किलोमीटर कांजी गांव आने के लिए कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। किसानों ने दुधवास कांजीपुरा आने जाने के लिए कीचड़ और गंदे पानी से निकल कर जाना पड़ता है। गाँव में किसान 12 महीने इसी रास्ते का उपयोग करते हैं, जिन्हें काफ़ी दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। लोगों में कितनी बार इस रोड के बारे में विधायक को अवगत कराया, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला है। ऐसी क्या बात है कि क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों ने हर बार दुधवास वासियों को पक्षपात किया और दुधवास गाँव इतनी आबादी वाला गाँव होने के बाद भी हर बार नज़रअंदाज किया जाता है। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। मैं नूर भाई, जनपद सदस्य दुधवास, तहसील खातेगांव। ये कांजीपुरा से जो दुधवास मार्ग है 3 किलोमीटर, ये बरसात होने के कारण पूरी तरह बंद हो चुका है। और इस बार ही समस्या नहीं, हर बार ही समस्या रहती है, क्योंकि हमने कई बार विधायक जी को भी अवगत कराया इस रास्ते के लिए, प्रशासन को भी अवगत कराया। और दुख की बात ये है कि इस विधानसभा में 25 साल से भाजपा का विधायक है, 50 साल से भाजपा का सांसद है और 15 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन ये सरकार बात तो करती है सबका साथ सबका विकास, इसके बाद भी हमने कई बार विधायक जी को अवगत कराया इस रास्ते के लिए और कई बार अधिकारियों को भी अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और दुधवास वालों को मेन मार्केट, दुधवास वालों का मेन मार्केट खातेगांव है, किसानों की मंडी भी खातेगांव है मेन। दुधवास वालों को अगर बाज़ार करने भी जाना पड़ता है तो खातेगांव जाना पड़ता है, और दुधवास से कांजीपुरा उनका मेन रोड है, कांजीपुरा से खातेगांव, इसलिए उनको कांजीपुरा आने में बहुत परेशानी होती है। आज नहीं, 20 साल 25 साल से यही स्थिति है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है प्रशासन की तरफ से भी, ना सरकार की तरफ से, ना विधायक जी की तरफ से। कितनी बार विधायक जी को भी हमने अवगत कराया, लेकिन हमको सिर्फ झूठा आश्वासन मिलता है। इस बार फिर बरसात होने के कारण आज 8 रोज से ये परेशानी बन चुकी है कि ना तो दुधवास वाले कांजीपुरा आ पा रहे हैं, ना कांजीपुरा वाले दुधवास जा पा रहे हैं। और दुधवास वालों को अगर अब खातेगांव जाना है तो पीपल कोटा हो तो वे उनको खातेगांव जाना पड़ता है, जो 40 से 50 किलोमीटर पड़ता है और बहुत ज़्यादा उनको परेशानी होती है। और ये रोड अगर ये रोड बनता है, आज ग्राम पंचायत दुधवास का जो मार्ग है दुधवास से कांजीपुरा, 3 किलोमीटर का जो मार्ग है दुधवास से, करीबन दुधवास के लोगों को आने जाने के लिए खातेगांव किसानों को भी जाना पड़ता है मंडी में अपनी फसल बेचने, और दुधवास वालों को जो बाज़ार का मेन जो मार्केट है वो भी खातेगांव है। तो आज 25 साल से खातेगांव विधानसभा में भाजपा का विधायक है, 50 साल से भाजपा का सांसद है और 15 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन भाजपा सरकार बात तो करती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन दुधवास से कांजीपुरा मार्ग जो 2-3 किलोमीटर का जो मार्ग है वो कच्चा है। कई बार इस रास्ते के बारे में हमने विधायक जी को भी अवगत कराया और अधिकारियों को भी अवगत कराया, लेकिन आज तक इस रास्ते की कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज इस बार बरसात होने के कारण ये रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। ये रास्ता बंद होने के कारण दुधवास वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ती है, और कांजीपुरा नहीं आते हुए घूम के इनको पीपल कोटा से खातेगांव जाना पड़ता है, इसलिए इनको 40 किलोमीटर खातेगांव जाना पड़ता है। अगर ये रोड दुधवास से सीधा कांजीपुरा बनता है तो इनको 25 किलोमीटर खातेगांव पड़ता है, और इनका मेन रास्ता दुधवास से ही कांजीपुरा, कांजीपुरा से खातेगांव। कई बार हमने विधायक जी को अवगत कराया है, लेकिन इस रास्ते की आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। नहीं मालूम क्या परेशानी है, क्या मामला है। हो सकता है, मेरे हिसाब से तो दुधवास एक मुस्लिम गांव होने के कारण वहां से हमेशा भाजपा की पोलिंग हारती है। मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है कि पोलिंग हारने के कारण इस रास्ते को पे ध्यान नहीं दी जा रही है। और दुधवास में ऐसा नहीं है कि दुधवास में भाजपा को वोट नहीं मिलते हैं, दुधवास में भाजपा कांग्रेस सभी को वोट मिलते हैं, लेकिन इस रास्ते में जो मेरे हिसाब से जो मामला उलझा हुआ है वो इसी कारण है कि विधायक जी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हमेशा बात तो करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस रास्ते की कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई है, क्योंकि ये रास्ता सभी का काम में आता है। यहाँ से नर्मदा परिक्रमा वाले भी सीधे आते हैं कांजीपुरा, कांजीपुरा से नेमावर जाते हैं, तो सभी के काम में ये रास्ता आता है, और बरसात के समय ये रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है,
और रास्ता बंद होने के कारण ना तो कांजीपुरा के लोग दुधवास जा सकते हैं ना दुधवास वाले कांजीपुरा आ सकते हैं, इसलिए दुधवास वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ता है। तो मैं प्रशासन और सरकार और विधायक जी से मांग करता हूँ कि इस बार इस रास्ते को प्रधानमंत्री सड़क योजना की मंजूरी दिलाकर इस रास्ते को प्रधानमंत्री रोड की स्वीकृति दिलाए और दुधवास से कांजीपुरा का जो मार्ग है 3 किलोमीटर का, इस रास्ते की समस्या हल करके इस पर रोड बनाया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।